साथियों जय हिंद। मैं रामचंद्र वार्ड 28 का निगम पार्षद। आज सुबह मेरे घर पर 5-6 लोग आए और उन्होंने मुझे बुलाया। आते ही उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे बिठा लिया और लेके गए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। वहाँ ये बात आई कि भाई आप जो है ना इस तरह से अगर करोगे ठीक नहीं होगा। ईडी और सीबीआई को जानते हो, तो इस तरह से धमकी दे दी उन्होंने और कहा कि आपके लिए ठीक नहीं होगा, बहुत ही आपका गलत हो जाएगा। तो मैं मेरे बेटा ने जैसे ही 100 नंबर पे कॉल करा तो पुलिस आ गई और इन्होंने हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं बड़े बड़े, उन्होंने फ़ोन किया पुलिस को, पुलिस कमिश्नर को। तो ये सब बातें जब उन्होंने सुनी वहाँ पे, तो मुझे जो है ना किसी के थ्रू मेरे घर छुड़वा दिया। तो मैं कुल मिला के ये कि मैं सीबीआई और ईडी से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं गलत करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल का एक सच्चा और ईमानदार सिपाही हूँ। मैं इनकी ईडी सीडी से डरने वाला नहीं हूँ, चाहे जितना ये करें। साथियों जय हिंद। मैं आकाश रामचंद्र वार्ड 28 से रामचंद्र जी का बेटा बोल रहा हूँ, निगम पार्षद जी का। आज की अभी की थोड़ी देर पहले की वारदात है। मेरे पिताजी के पास नारायण सिंह जी, जो बवाना से पूर्व पार्षद हैं बीजेपी के, उनका कॉल आया कि रामचंद्र जी हमें आपसे मिलना है। तो मेरे घर के नीचे खड़े हैं, पिताजी ने कहा ठीक है। मेरे पिताजी उतरे नीचे गए और नीचे घर के ऑफिस था, वहाँ पे बैठे बात हुई। बाद में पता चला है हमको कि वहाँ पर उनके साथ 4-5 लोग और थे, वो डरा करके मेरे पिताजी को कि ईडी और सीबीआई की रेड करवा देंगे, आपको सड़ा देंगे, ये कहाँ का न्याय है। मेरे पिताजी को गाड़ी में बिठा के प्रदेश कार्यालय ले जा रही हूँ या कहाँ ले जा रहे कुछ अभी नहीं मालूम है। हम बस जा रहे हैं, देख रहे हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की पुलिस के साथ साठगांठ करके आम आदमी पार्टी के पार्षद रामचंद्र जी को, जो बवाना से बिलोंग करते हैं, जबरिया किडनैप किया। मिलने के बहाने से भाजपा के पूर्व पार्षद घर पहुंचते हैं और घर पहुंच के कहते हैं मुझे रामचंद्र जी से मिलना है। उनके साथ 5-7 लोग और हैं। रामचंद्र जी उनसे मिलते हैं, उन्हें गाड़ी में बिठा लिया जाता है और गाड़ी में बिठा के उनको उठा लिया जाता है। कानून के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम दिन दहाड़े अपने अहंकारी हाथों से जो जोरदार तमाचा मारा, उस तमाचे की गूंज मुझे पूरा विश्वास है कि एलजी साहब के कानों तक पहुंची होगी, जिनके हाथों में दिल्ली की कानून व्यवस्था को बचाए संभाले रखने की जिम्मेदारी है। आपने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे, रामचंद्र जी का अपना बेटा वो चिंतित है, वो अपील कर रहा है, वो बता रहा है कि मेरे पिताजी को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद नारायण सिंह जी कुछ लोगों के साथ उठा के ले गए कि 1.5-2 घंटे तक सोशल मीडिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं और सांसदों ने दबाव बनाया, पुलिस के आला अधिकारियों के ऊपर उनसे संपर्क साधा, सोशल मीडिया पे प्रेशर क्रिएट किया, तब जाके 2 घंटे बाद रामचंद्र जी वापस लौटेंगे।